क्योंकि गाइस जो बंदा अगर 4 साल वेट कर सकता है, यूट्यूब पर मेहनत कर सकता है, तो गाइस वो कुछ भी कर सकता है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तो गाइस मैं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग अनदर ब्लॉग के साथ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनदर ब्लॉग्स पर। और ये ब्लॉग्स गाइस सुबह के 10 बजे शुरू हो रहा है। अभी जा रहा हूँ गाइस मैं खुरई, तो चलते हैं खुरई दादी को लेके। फिर गाइस बैंक में भी काम है, तो चलते हैं बैंक चलते हैं। तो गाइस अभी आया था मैं मार्केट में और बैंक में आया था गाइस दादी को लेके। तो दादी को काम है, यहाँ से पीछे देख सकते हो कैनरा बैंक है जो कि दिखाई दे रहा है आपको। तो वहीं पे गई हैं अभी दादी और अभी वो आती हैं, उसके बाद जाएंगे गाइस हम मार्केट में, काम है थोड़ा। तो देख सकते गाइस ये है हमारी खुरई सिटी, जो कि गाइस अभी हम आए हैं कैनरा बैंक। यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में है मॉल, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। गाइस अभी आए थे हम कचहरी, जो कि हमें थोड़ा यहाँ पे काम था सिविल न्यायालय के पास कचहरी में। तो कोर्ट में है गाइस अभी हम लोग काम कराते हैं हमारा, फिर चलते हैं वापस। देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट, ये कुछ इस तरीके का गाइस हमारे यहाँ का कोर्ट है खुरई का, देख सकते हो आप। अभी मैं अंदर हूँ कोर्ट के और गाइस मैं अभी पार्किंग में हूँ, गाड़ी के पास बैठा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। गाइस अभी आए हैं मार्केट सब्जी लेने, तो देख सकते हो यहाँ पे सब्जी ले रहे हैं, अभी दादी ले रही हैं, मेरे को भी लेना है, फिर चलते हैं गाइस हम यहाँ। तो गाइस अभी आए हैं हम फैमिली मॉल शॉपिंग करने दादी के लिए, यहाँ से कुछ सामान लेना है और फिर। गाइस अभी दादी कर रही हैं शॉपिंग और गाइस शॉपिंग करके अब हमें जाने का टाइम हुआ है घर, तो चलते हैं अभी गाइस हम घर। और ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं गाइस हम घर के बाद फिर, तो अभी पहले घर चलते हैं फिर देखते हैं। अभी गाइस दोपहर से 2 बज चुके हैं और। तो गाइस बहुत टाइम हो गया गाइस मैं खेत नहीं गया हूँ, 8 से 10 दिन दवाई डाल के आया था तब से नहीं गया। तो गाइस अभी चलते हैं खेत हम और देख के आते हैं कैसा हमारा सोरी बीन है क्या है। तो चलते हैं गाइस मिलते हैं खेत पर। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो गाय बैलों ने बहुत ही परेशान कर दिया रोडों पर, ये देख सकते हो गाइस खेतों में से घूम घूम के आ रहे हैं और बहुत ही परेशान कर रहे हैं। चलते हैं हमारे खेत में तो नहीं घुसे, देख कर आते हैं। देखो गाइस यहाँ पे खेतों में जानवर ही जानवर देखेंगे तुम, यहाँ पे देख सकते गाइस ये कौन सा जानवर है उड़ के जा रहा है वो देखो गाइस कमेंट करके बताना। वो देख सकते गाइस वो दूर बैठ गया जाके वहाँ पे, बहुत ही दूर वो देख सकते, क्या बोलते गाइस इसका नाम बताना कमेंट में। तो गाइस ब्लॉग बनाते बनाते बारिश में मेरा हो गया था मोबाइल ख़राब पानी में, क्योंकि उसके फोल्डर में पानी चला गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। देख सकते यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, तो मुझे डर लग रहा है। बाकी गाइस आप लोगों से एक भी रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस मैं, प्लीज़ यार आप लोगों से एक सपोर्ट मांग रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना। चलते हैं गाइस खेत हम और दिखाते हैं आपको कैसा है हमारा सोयाबीन। गाइस अभी देख सकते हो साइकिल हमने पीछे पार्क कर दी है, खड़ी कर दी है, और गाइस अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ में पानी ही पानी भरा है और खेत का नज़ारा कुछ देखो इस तरीके की रोड है यहाँ पे, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके की यहाँ पे रोड है, जो कि यहाँ से ना ही साइकिल जा सकती और ना ही कोई और चीज़, बस यहाँ से गाइस हमें पैदल जाना होता है। तो यहाँ से 200 मीटर के करीब हमें पैदल जाना है गाइस, और यहाँ पे कांटे आटे भी हैं जो कि आप लोग देखो डले हुए हैं, यहाँ पे पेड़ है और गाइस ये पानी भरा है, तो यहाँ पे सांप वाँप का भी डर लगता है गाइस दोपहर में, क्योंकि धूप में निकलते हैं वो लोग और गाइस बहुत ख़तरा होता है। तो अभी गाइस हम सीधा खेत चलते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान कैमरे पे हो जाता है तो फिर नीचे नहीं देख पाता गाइस, इसलिए मिलते हैं खेत में सीधा आपको। तो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे खेत पर, जो कि गाइस आप लोगों को ये छीन का पेड़ तो याद ही होगा, यहाँ से कई वीडियो बना चुका हूँ मैं,
और यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये है हमारे चाचा का खेत, और यहाँ पे हो चुकी है गाइस फेंसिंग। ये देखो गाइस पूरी फेंसिंग हो चुकी है दूर दूर तक। और ये भी गाइस हमारे चाचा का ही खेत है, ये देखो ये भी गाइस। और यहाँ पे सोयाबीन में देख सकते हो फूल लग चुके हैं और फलने वाला है गाइस यहाँ पे। ओ गाइस फाइनली गाइस हमारा सोयाबीन देख सकते हो आप लोग भी। ये देखो गाइस ज़्यादा जगह में तो नहीं है, बाकी गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा है देख सकते हो। और अपने सोयाबीन में भी गाइस यहाँ पे देख सकते हो फूल आने लगे हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे देखो फूल आने लगे हैं, देख सकते हो आप पूरे खेत में कैसा है देख सकते हो आप लोग। और वो गाइस वहाँ पे हमारा खेत में तले में पानी भरा था, जो कि गाइस बहुत ही कम हो गया है, यहाँ से ना के बराबर दिख रहा है, और झाड़ियाँ बड़ी हो चुकी हैं। तो अभी चलते हैं हम धान देखते हैं वहाँ पे कैसी है क्या है, एक आध रील वील भी बना लेंगे हमारे खेत पर गाइस। गाइस यहाँ पे ये है हमारा कुआँ जो कि पानी से डूब चुका है, और यहाँ पे लगी थी गाइस धान जो कि डूब चुकी थी और थोड़ी थोड़ी बची है गाइस, उगी नहीं थी ढंग से, मतलब सही से नहीं उगी थी। और यहाँ पे देख सकते हो घास धान से ही बड़ा बड़ा हो चुका है। अभी हमारा सोयाबीन वहाँ पे है गाइस, अब हमने खेत देख लिया है और यहाँ से गाइस अब हम चलते हैं वापस। अभी हम दिखाते हैं जहाँ पे हमने पानी निकलने के लिए यहाँ पे रास्ता बनाया था, पीछे देख सकते हो पानी खाली हो चुका है जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ। यहाँ पे गाइस पानी भरा था घुटने घुटने से भी ज़्यादा, और हमारा यहाँ पे सोयाबीन जो कि ये है ये डूब चुका था गाइस, इसलिए यहाँ पे हाइट जो है इसकी छोटी हो गई है गाइस, ये बड़ा नहीं हो पाया जल्दी क्योंकि इधर पानी भर गया था तो ये डूब चुका था, तो इसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी गाइस, जो कि गाइस बहुत ज़रूरी होती है अपने लिए भी इसके लिए भी। तो यहाँ पे ये गल रहा था जो कि देख सकते हो यहाँ पे कुछ झाड़ मर भी चुके हैं, यहाँ पे देखो कुछ झाड़ मर चुके हैं यहाँ पे, और कुछ की यहाँ पे पत्ती भी नीचे गिर गई है गाइस। तो यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी थी इसकी। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं वो जगह जहाँ से हमने पानी निकाला था। ये चेक करो गाइस यहाँ पे हाइट सोयाबीन की, और यहाँ पे चेक करो गाइस यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो देख सकते हो कितना कितना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है पानी का, जो कि ऊंचे स्थान पर और नीचे स्थान पर फसल को इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। और पीछे वो खजूर भी अपने काट दी थी जो कि गाइस यहाँ से आगे जाने के लिए बहुत ही कचरा हो गया, और मुझे गाइस यहाँ पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर, देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वो पेड़ के पास जाना है हमें, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हमने यहाँ से ये रास्ता बनाया था पानी निकलने के लिए, देख सकते हो कुछ इस तरीके का था, जो कि यहाँ से पानी आता था, ये देख सकते हो यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, तो ये पानी निकलता था। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, घास हो चुकी है ज़्यादा तो दिख नहीं रहा। और यहाँ पे ये है गाइस महुए का झाड़ जो कि देख सकते हो आप लोग। तो अभी गाइस हम चलते हैं वापस से घर, क्योंकि गाइस बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे काम भी नहीं है, तो अभी चलते हैं गाइस आम उस चाचा के खेत, क्या कर रहे हैं वो लोग देखते हैं, फिर चलेंगे गाइस घर। एक चेक करो गाइस क्या ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये हैं गाइस हमारे खेत जो भी देख सकते हो पानी भरा है। मैं यहाँ से खेत जाता हूँ और वहाँ पे साइकिल रखी हुई है, अभी मैं साइकिल के पास वापस आ चुका हूँ खेत से, ये देख सकते हो चेक करो ये साइकिल। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ आम उस चाचा के यहाँ खेत पर, खेत पर तो हूँ गाइस लेकिन खेत के उस तरफ जाना है रोड तरफ, तो वहाँ चलते हैं। कुछ इस तरीके का गाइस रोड है, मैं यहाँ से साइकिल चला के जाता हूँ देख सकते हो यहाँ पे। और गाइस एक और चीज़, गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये फूल किस चीज़ का है यहाँ पे देखिए गाइस, ये देखो गाइस ये चेक करो कितना ही मस्त फूल है गाइस। तो चलते हैं गाइस अभी हम खेत,
गाइस ये है आमोस चाचा का खेत, यहाँ पे बकरी पाली हुई है इनने यहाँ पे। और गाइस एक भैंस है और एक गाय है यहाँ पे, और वो वहाँ पे दादा हैं और वहाँ पे बनाएगा इस घर। तो यहाँ पे इनसे हो चुकी है बातचीत क्या करना था, ये उनकी धान लगी है खेत में। तो गाइस अभी हम चलते हैं घर वापस, और वहाँ पे दुकान खुली है इनकी, वहाँ पे देख सकते हो गाइस सामने कुर्सी लगी है, और वहाँ पे भुट्टे भूनने के लिए इनने रेवड़ी लगा के रखी है, ठेला क्योंकि ठेला बोल सकते हो, वहाँ पे लगा के रखा है गाइस। रोड चलता है तो यहाँ पे भुट्टे भी बेच लेते हैं वो। गाइस अभी हम चल रहे हैं घर। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अनदर ब्लॉग के साथ। आप लोग का सपोर्ट ना करना या करना, सपोर्ट करना ना करना आप लोगों की मर्ज़ी है गाइस। तो गाइस सपोर्ट करना ना करना आप लोगों की मर्ज़ी है, मेरा काम है ब्लॉग बनाना। गाइस अब आप लोगों को सौरभ जोशी का या किसी का भाई का ब्लॉग पसंद आता है तो बहुत गाइस देख सकते हो, मेरा नहीं देखना नहीं देखो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी ना कभी तो सक्सेस होऊंगा मैं भी। क्योंकि गाइस जो बंदा अगर 4 साल वेट कर सकता है, यूट्यूब पर मेहनत कर सकता है, तो गाइस वो कुछ भी कर सकता है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तो गाइस मैं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग अनदर ब्लॉग के साथ। अभी गाइस मैं घर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ सिंगिंग क्लास, तो चलते हैं सिंगिंग सीखने। चार चार लड़ रहा है देखो भाई, एक वो लड़ रहा हो इन्ना छोड़ दे यार, देखो दो जे लड़ रहा है, दो जे लड़ रहा है, चार पाँच वाह बेटा लड़ो।